गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट BSc HE सेकंड ईयर सेकंड सेमेस्टर। आज आपके कोर्स फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में आज आपकी लेक्चर टॉपिक है IFS मॉडल इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। IFS का पूरा फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल्स फॉर इरिगेटेड सिचुएशंस। इरिगेटेड सिचुएशंस में यानी सिंचित अवस्था में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत जो मॉडल डेवलप किए गए हैं, विकसित किए गए हैं, वो आपके इंडिया में 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन, जो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन में IFS मॉडल इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल को डेवलप किया गया है, जो इस मॉडल के अंतर्गत आप जो इसके बारे में इंट्रोडक्शन आपको मैं बता रहा हूं, इसके इंट्रोडक्शन में अगर देखें तो दिन प्रतिदिन जो कल्टीवेटेड लैंड है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है, कम होती जा रही है। आप देखते हैं कि अगर हम नेट कल्टीवेटेड एरिया को देखें तो 143 मिलियन हेक्टेयर जो धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है, उसका मेन रीजन है कि कुछ ऐसी लैंड है जो कि अनफर्टाइल होती जा रही है, कुछ ऐसी है कल्टीवेटेड लैंड जिसपे डिफरेंट अदर वर्क, बिल्डिंग या इंडस्ट्री एरिया, इसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे एरिया जो कल्टीवेटेड लैंड की है कम होती जा रही है। और इंडिया में सबसे ज्यादा अफेक्ट जो डालता है पॉपुलेशन, जनसंख्या, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है कि जो पर व्यक्ति प्रति व्यक्ति जो वहां पे लैंड, जो कल्टीवेटेड लैंड है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है। ऐसे कंडीशन में अगर फार्मर को वहां पे जितनी लैंड उसके पास है क्या उसपे वो वर्ष भर कार्य करके अपनी जीविका को चला सकता है या फैमिली हैपेंस, यानी अपनी जो फैमिली में जिसके जो मेंबर है उसके उसके भरण पोषण नहीं कर सकता। इसलिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत वहां पे एग्रो क्लाइमेटिक जोन में उसके अकॉर्डिंग जो मॉडल है डेवलप किया गया कि एक क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ डिफरेंट वहां पे ऐसे इंटरप्राइज को सेलेक्ट करना, ऐसे उद्यम को सेलेक्ट करना जो वहां के अकॉर्डिंग सटीक बैठते हैं, जिससे वर्ष भर उसके इनकम जनरेट हो सके। जैसे कोई व्यक्ति अगर बिजनेस करता है तो उसको क्या होता है कि हमेशा इनकम जनरेट होती रहती है, तो ऐसी चीजें फार्मर के पास भी होनी चाहिए कि जो उसको हमेशा इनकम जनरेट होती रहे, यानी क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ हम ऐसे उद्यम, ऐसे इंटरप्राइज का सिलेक्शन करें, मॉडल में इंक्लूड करें जिसको कि वहां पे हम अच्छे तरीके से चला सकें और हमें उससे इनकम जनरेट होती रहे, उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती रहे। तो मॉडल का मेन टारगेट, मेन उसका एम जो होता है, उद्देश्य है, कुछ मॉडल में हम इस तरीके के जो इंटरप्राइज है या उद्यम है उसको सेलेक्ट करके अपनी जीविका को अच्छे तरीके से चलाएं और इनकम भी जनरेट हो। तो जिसमें आप इसमें जो डिस्कस करेंगे मॉडल का नाम है राइस बेस्ड क्रॉपिंग विथ पोल्ट्री कम फिश कल्चर। राइस बेस्ड क्रॉपिंग यानी राइस क्रॉप प्रोडक्शन के रूप में ले रहे हैं वहां पे,
राइस बेस्ड क्रॉपिंग विद पोल्ट्री, पोल्ट्री के साथ किस कल्चर को वहां पे ले, जिससे कि आप देख रहे हैं जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसके जो नीड है फार्मर की आवश्यकता, यानी वो बाहर से अपने जो आवश्यकता की सीरियल क्रॉप्स, पल्स क्रॉप्स, आयल क्रॉप्स जो भी है अपनी आवश्यकता को वहां पे उसको प्रोडक्शन करे, उसके साथ साथ वहां पे जो इंटरप्राइज के रूप में, उद्यम के रूप में, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है पोल्ट्री कम फिश फार्मिंग, यानी पोल्ट्री के साथ फिश फार्मिंग। ये मॉडल आपके एग्रोक्लाइमेटिक जो साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में तमिलनाडु कोयम्बटूर के लिए डेवलप किया गया है। इसमें आपके सिलेबस में दिया है कि इंडिया में डिफरेंट एग्रोक्लाइमेट के अंतर्गत मॉडल को वहां पे आप एक्सप्लेन करें, मॉडल को आप सेलेक्ट करें। तो ये आपका साउथ में तमिलनाडु प्लेस पे कोयम्बटूर में डेवलप किया गया, उसके लिए डेवलप किया गया है, जिसमें उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ध्यान से इसको आप नोट भी करना ताकि एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से सुनना भी और इसको नोट भी करें। ए मॉडल वॉज डेवलप्ड एट तमिलनाडु कोयम्बटूर फॉर 0.4 हेक्टेयर एरिया। अब ध्यान देना, 0.4 हेक्टेयर एरिया मीन्स आपका नियर अबाउट 4000 4000 मीटर स्क्वायर एरिया, 4000 मीटर स्क्वायर एरिया या आप कह सकते हैं 1 एकड़ एरिया। तो 1 एकड़ एरिया या 4000 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए हैज फॉर्म कंसीडरिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ऑफ तमिलनाडु, जो तमिलनाडु के ऐसे स्मॉल और मार्जिनल किसान हैं, सीमांत किसान हैं और छोटे किसान हैं, ऐसे के लिए वहां पे इस मॉडल को डेवलप कर सकते हैं, जिनके पास लैंड बहुत कम यानी सीमित मात्रा में है, लिमिटेड जो कल्टीवेटेड लैंड है। तो मॉडल में 0.4 हेक्टेयर एरिया के लिए आप यहां पे द कंपोनेंट्स आर, जो वहां पे हम कंपोनेंट्स का यूज किए हैं उसमें आपका है राइस बेस्ड क्रॉपिंग। जो साउथ एरिया में आप देखोगे कि राइस के लिए क्रॉपिंग सिस्टम में सेलेक्ट करना सबसे बेस्ट होता है, जो कि वहां की कंडीशन, वहां के लोकेलिटी में सबसे ज्यादा आपका राइस क्रॉप का प्रोडक्शन ज्यादा लिया जाता है। तो राइस बेस्ड क्रॉपिंग एंड सेकेंड, दूसरा कंपोनेंट है फिश कल्चर, मछली पालन, और तीसरा है थर्ड पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री का वहां पे जो मुर्गी पालन के रूप में वहां पे हम सेलेक्ट किए, तो यहां पे आप देखेंगे दो इंटरप्राइज है, फिश कल्चर एंड पोल्ट्री। उसकी वहां पे किस तरीके से हम मैनेजमेंट करें, किस तरीके से उसको हम वहां पे उस लोकेशन में, सिचुएशन में उसको हम लें, तो फर्स्ट आपका है राइस बेस्ड क्रॉपिंग में उसकी एरिया यानी 0.4 हेक्टेयर यानी 4000 मीटर स्क्वायर एरिया में 0.36 हेक्टेयर या मीटर स्क्वायर में कह सकते हैं कि 3600 मीटर स्क्वायर। तो 0.36 हेक्टेयर मींस वहां पे 3600 मीटर स्क्वायर एरिया में क्रॉपिंग सिस्टम को जो वहां पे लेगा राइस बेस्ड, यानी राइस का प्रोडक्शन करेगा, धान का उत्पादन लेगा। बाकी जो एरिया आपकी बच रही है वो आपकी 0.04 यानी 400 मीटर स्क्वायर एरिया, 400 मीटर स्क्वायर एरिया। तो आप ध्यान से उसमें वहां पे आप देखना कि जो ये एरिया है उसके अकॉर्डिंग आप उसको अच्छे तरीके से वहां पे आप लिखोगे, इसमें आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब राइस के
फील्ड में आप जो देखोगे वहां पे जो हम क्रॉप रोटेशन या क्रॉपिंग सिस्टम में जो इंक्लूड करते हैं वहां मोनोकल्चर ज्यादा उसको हम अडॉप्ट करते हैं कि राइस राइस, तो राइस राइस का वहां प्रोडक्शन ज्यादा लिया जाता है, बट उसके अंदर कुछ एरिया ऐसी है जहां की अपलैंड है, तो अपलैंड एरिया के लिए वहां पे मॉडल में इंक्लूड किया गया है पल्सेस ऑब्लिक ग्रीन मैन्योर। पल्सेस और ग्रीन मैन्योर को देने से दो चीजें वहां पे इंप्रूव होगी कि जो पल्सेस क्रॉप है उसका प्रोडक्शन ले सकते हैं, और दूसरा वहां पे हम ग्रीन मैन्योर क्रॉप को जब इंक्लूड करते हैं उसमें तो सॉइल की फर्टिलिटी उर्वरता इंक्रीज होती है। उससे रिलेटेड और भी क्रॉप्स को जो उसके अकॉर्डिंग वहां पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं अदर रीजंस के लिए भी, राइस कॉपी सोरगम, सेकेंड राइस ग्रीन ग्राम कॉटन, राइस कॉपी फिंगर मिलेट। तो ये वहां पे क्रॉप रोटेशन जो क्रॉपिंग सिस्टम है इसको हम अडॉप्ट करेंगे। तो ये एरिया जो राइस वेस्ट क्रॉपिंग के लिए आपको हमने बताया कि मॉडल में 0.36 हेक्टेयर एरिया में हम क्रॉपिंग करेंगे जो कि राइस वेस्ट क्रॉपिंग होगी। और सेकेंड कंपोनेंट फिश कल्चर, फिश कल्चर में इसके अंतर्गत एरिया होगी 0.04 हेक्टेयर यानी 400 मीटर स्क्वायर एरिया। जो 400 मीटर स्क्वायर एरिया में फिश फार्मिंग, उसके साथ साथ वहां पे हम पोल्ट्री फार्मिंग भी करेंगे। जैसे जो पॉन्ड की एरिया होगी, जो तालाब की एरिया होगी 0.04 हेक्टेयर यानी 400 मीटर स्क्वायर एरिया में डेवलप होगा, और पोल्ट्री फार्मिंग जस्ट उसके ऊपर। तो ये आपका वहां पे एक ही प्लेस में हम दो एंटरप्राइज को सेलेक्ट कर रहे हैं जो वहां लैंड की बचत हो रही है, एरिया की वहां पे बचत हो रही है कि पॉन्ड के ऊपर यानी तालाब के ऊपर वहां पे पोल्ट्री फार्मिंग को डेवलप किया जाए। तो आते हैं फिश कल्चर में, जनरली वहां पे पॉली कल्चर के अंतर्गत उसको डेवलप किया जाता है। जो पॉली कल्चर में देखते हैं कि आपका फिंगरलिंग्स को फिश फार्मिंग में अडॉप्ट किया जाता है। फिंगरलिंग्स उसको बोलते हैं जो मछली का जो वहां पे जो सीड, उसका फिश का जो सीड है उसको बोलते हैं फिंगरलिंग्स। तो फिंगरलिंग्स को स्टार्टिंग में आप पॉन्ड्स तालाब में छोड़ते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो फीड चारा को भोजन के रूप में लेकर के धीरे 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 फिर उसका वेट बढ़ता है, साइज बढ़ती है, उसके बाद उसको हम वहां पे हार्वेस्ट करते हैं, उसको उसका प्रोडक्शन लेते हैं। बट उसमें कितनी एरिया में कितने नंबर ऑफ फिंगरलिंग्स उसमें डालने चाहिए, इस सब चीजों को इसीलिए बोल रहा हूं, उसको आप नोट करना अच्छे से। अब यहां ध्यान देना, स्टॉकिंग डेंसिटी जो उस एरिया में यानी 1 हेक्टेयर अगर पॉन्ड की एरिया है, तालाब की एरिया 1 हेक्टेयर में है, तो उसमें स्टॉकिंग डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, 7500 7500 पर हेक्टेयर फिंगरलिंग्स उसमें डाल सकते हैं। बट एरिया है 0.04 हेक्टेयर यानी 400 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो 400 मीटर स्क्वायर एरिया में नंबर ऑफ फिंगरलिंग्स कितने डाल सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, कैलकुलेशन में 7500 यानी 7500 मल्टीप्लाई 0.04, 7500 मल्टीप्लिकेशन 0.04 इज इक्वल टू 300, तो नंबर ऑफ फिंगरलिंग्स कितने आ जाएंगे, 300। उसमें फिंगरलिंग्स होगी 0.04 एरिया के लिए। पॉलीकल्चर के लिए डिफरेंट फिशेस के फिंगरलिंग्स को रिलीज किया जाता है, जिसमें यानी पॉन्ड्स में टाइप्स ऑफ फिश कौन कौन से फिश
उसमें डाल सकते हैं, उसके फिंगर लिंक्स को वहां पे डाल सकते हैं, जो उस मॉडल के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग सुटेबल हो, जो वहां पे उसका प्रोडक्शन उत्पादन बेटर मिले। तो उसमें ध्यान देना, फर्स्ट आपका है ग्रॉस कॉर्ट। ग्रॉस कॉर्ट ये फिश की वैरायटी है। ग्रॉस कॉर्ट 10% यूज करना चाहिए 400 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए। तो 10% का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ फिंगर लिंक्स 30, नंबर ऑफ फिंगर लिंक्स 30। सेकेंड रोहू, रोहू फिश की जो वैरायटी है उसकी 20% 400 मीटर स्क्वायर एरिया में डालना चाहिए फिंगर लिंक्स को। जो कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा 60 नंबर ऑफ फिंगर लिंक्स। एंड नेक्स्ट कॉमन कॉर्क, जो फिश की वैरायटी है, कॉमन कॉर्क ऑब्लिक मृगल, इनकी 30% वहां पे हम फिंगर लिंक्स को उसमें डालेंगे। जो कैलकुलेशन करेंगे तो 90 नंबर ऑफ फिंगर लिंक्स, इनकी संख्या होगी 90। एंड नेक्स्ट सिल्वर कॉर्ड, सिल्वर कॉर्ड 400 मीटर स्क्वायर एरिया में 40% की वहां पे क्वांटिटी होगी। जो कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ फिंगर लिंक्स आएगी 120 फिंगर लिंक्स। तो इसके अकॉर्डिंग हम उस पॉन्ड एरिया में नंबर ऑफ फिंगर लिंक्स, जो मछली के जो सीड है, फिश के सीड, इस तरीके से वहां पे हम उसको कैलकुलेट करके पॉन्ड्स में छोड़ेंगे। अब नेक्स्ट आपका है तीसरा कंपोनेंट, पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग, जैसा कि आपको पहले भी हमने बताया कि जो फिश कल्चर यानी फिश फार्मिंग कर रहे हैं उस पॉन्ड तालाब के ऊपर पोल्ट्री फार्मिंग को डेवलप करेंगे, जिसकी एरिया वहां पे 5x2.5 meters square में पोल्ट्री फार्मिंग के लिए वहां पे पोल्ट्री शेड को डेवलप किया जाएगा। तो पोल्ट्री शेड की जो एरिया होगी 5x2.5 meters square, वहां पे पोल्ट्री शेड जो फिश पॉन्ड के ऊपर डेवलप किया जाएगा। अब इसमें ध्यान देना कि जो इसकी क्वांटिटी है पर हेक्टेयर कितना होना चाहिए, और जो प्रेजेंट टाइम में वहां पे जो एरिया है आपकी कि 5x2.5 meters square, तो उसके लिए 1 hectare एरिया जो पॉन्ड की होगी उसमें नंबर ऑफ चिक्स लेयर, यानी चिक्स लेयर उसको बोलते हैं जो मुर्गी के जो चूजे होते हैं, तो उसमें आप जो देखते हैं कि 1 hectare एरिया में आपके नंबर ऑफ चिक्स लेयर होंगे 500, तो जो आपकी एरिया है 5x2.5 meters square, इसके लिए 20 चिक्स लेयर उसमें छोड़ेंगे। और इसमें उनका बेनिफिट ये होता है कि इसके लिए फीडिंग चारे के रूप में आपको अलग से कहीं से आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं होती। जो राइस कल्टीवेशन कर रहे हैं तो राइस वेस्टेज जो उसका आप देखते हैं कि जब राइस को उसकी हस्क यानी भूसी को अलग करते हैं, यानी वहां पे कर सकते हैं उसमें बुलिंग परसेंट जो होता है उसमें देखते हैं कि जो कनकी के रूप में उसमें जो उसके ऊपर के जो दाने के रूप में टूट करके उसमें जाते हैं भूसी में, तो ऐसे मटेरियल को हम वहां पे उनको फीडिंग के रूप में दे सकते हैं। तो राइस वेस्टेज में 33% उसका यूज किया जाता है। जो पोल्ट्री फार्मिंग की कास्ट का 57.5% रिड्यूस होता है,
यदि जो कास्ट अगर अलग से उसको आप खरीदते तो वहां पे राइस के जो वेस्टेज मटेरियल जो आप दे रहे हैं 33% वो आपके टोटल जो पोल्ट्री फार्मिंग के कास्ट का 57.5% कास्ट रिड्यूस होगी। उसी तरीके से जो इसका राइस हस्क के रूप में जो उसकी भूसी के रूप में वहां पे जब फिश फार्मिंग में उसके फीडिंग के लिए भी आप देते हो जो उसके कास्ट में भी वहां पे उसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये आपका कंक्लूजन, आप ध्यान देना इसमें जो कंक्लूजन इसका है कि टोटल जैसे फर्स्ट आपका है नेट इनकम हाई, इसमें आपका नेट इनकम अच्छा होगा इस मॉडल को अडॉप्ट करने पे। एंड सेकेंड क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल उत्पादन, जो आप राइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम को ले रहे हो उसके साथ साथ फिश एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन, तो यहां से आपको तीनों का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा बढ़ेगा जो कि एक दूसरे को वहां पे क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ ये इनकम जनरेट में फिश फार्मिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग एक्स्ट्रा बेनिफिट वहां पे देंगे। एंड नेक्स्ट पोल्ट्री से आप जो देख रहे हैं कि एग एंड चिकन, जो अंडा उत्पादन और चिकन प्रोडक्शन दो चीजें से मिलती है जो कि एक प्रोडक्शन अंडा का उत्पादन डेली होगा जिससे कि फार्मर को वहां पे इनकम डेली वहां पे जनरेट होगी जो कि वहां पे उसको अच्छे तरीके से वो मैनेज कर सकता है। एंड चिकन प्रोडक्शन में आप देखते हैं कि जैसे उसके चिकन जब अच्छे जो है कि वेटेड हो जाते हैं तो उसको हार्वेस्ट करके चिकन में कन्वर्ट करके उसको यूज में ले लेते हैं। एंड नेक्स्ट आपका है एम्प्लॉयमेंट जनरेट, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, रोजगार के अवसर वहां पे मिलते हैं। जो मॉडल में जितने आप जो देख रहे हैं कि इसको वहां करने के लिए लेबर की जरूरत होगी तो उनके लिए वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। एंड नेक्स्ट ये है कि जो फार्मर कहा जाता है कि सीजन में ऑन सीजन जब क्रॉप का होता है वर्क करते हैं, बाकी ऑफ सीजन में वो पलायन करते हैं, तो ऐसी कंडीशन वहां पे नहीं होगी कि पलायन नहीं करेंगे क्योंकि उनको वर्ष भर वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। एंड नेक्स्ट आपका है न्यूट्रिशन क्वालिटी इंक्रीज, न्यूट्रिशन क्वालिटी जो होगी वहां बढ़ेगी जिसके रूप में आप देख रहे हैं एक प्रोडक्शन एंड चिकन प्रोडक्शन और सबसे ज्यादा फिश, जो वहां पे फिश का प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें प्रोटीन्स, यानी वहां पे कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन की क्वालिटी अच्छी होगी। तो ये मॉडल का कंक्लूजन था जो भी आपको हमने बताया कि राइस बेस्ड क्रॉपिंग विथ पोल्ट्री कम फिश फार्मिंग मॉडल को अगर हम एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो आपको बताया तमिलनाडु में कोयम्बटूर एरिया में 0.4 हेक्टेयर एरिया में वहां पे इस मॉडल को डेवलप किया गया जिसमें कंपोनेंट राइस बेस्ड क्रॉपिंग फिश कल्चर एंड पोल्ट्री फार्मिंग को अडॉप्ट किया गया, जिसमें उसके बारे में आपको हमने एक्सप्लेन किया। तो ये आपको एग्जामिनेशन की पर्पज से और अदर जितने कंप्यूटर एग्जाम है उसके लिए भी आपको एक क्वेश्चन इसमें से पुटअप किए जाते हैं। तो आप अपने जो थ्योरी जिसमें पूछा गया है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन में कौन कौन से मॉडल को डेवलप कर सकते हैं, तो ये आपके इरिगेटेड सिचुएशन में है। इसके बाद नेक्स्ट जब हम क्लास लेंगे तो उसमें अनइरिगेटेड सिचुएशन में कौन से हम मॉडल को डेवलप कर सकते हैं। तो आज क्लास को यही करते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स कोई अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो बाई व्हाट्सएप नंबर कॉन्टेक्ट इवनिंग 527। दैट्स ऑल।